Uh, साथ उसकी एग्जाम्पल्स uh, जो हैं वो आप शो करेंगे और इसके अलावा उसके की करेक्टरिस्टिक्स बताएंगे ओके okay? ये हम uh, इसकी रीडिंग कर चुके हैं ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया हुआ है अब हम एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आप आप किस तरह इसका डिस्प्ले बना सकते हैं आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है तो आप उस तरह से भी कैरी कर सकते हैं मैं आपको इसके अकॉर्डिंग गाइड कर देती हूँ आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको सोल्व कर लेना है यानी कि इसका डिस्प्ले रेडी कर लेना है Uh, आप इसके लिए स्टिकी पेपर्स ले सकते हैं चार्ट पेपर्स ले सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट जो भी आप लेना चाहते हैं आप लेके उस पर अट्रैक्टिव सा डिस्प्ले बनाएगा uh, जैसे कि आपको पता है कि दिस चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एज यू नो एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दे हैवे बैक बोन और नॉट हैव अ बैक बोन तो वर्टीब्रेड्स जो हैं ये ऐसे एनिमल्स हैं द एनिमल्स दैट हैव अ बैक बोन ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है वो वर्टिब्रेट्स हैं और ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं प्रेजेंट होती है तो मैं आपको इस एक्टिविटी के अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ अब आपने जो है यूज करते हुए जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है अब ये फाइव ग्रुप्स कौन कौन से हैं हमारे पास द फर्स्ट वन इज फिश सेकेंड वन इज एम्फीबियन थर्ड वन इज रेप्टाइल फोर्थ वन इज द बर्ड एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द मैमल तो ये हमारे पास फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आ गए ओके okay? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए फिशेज आप जानते हैं ठीक है एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग्स आ जाते हैं जैसे कि पिक्चर्स बनी हुई हैं साथ साथ रेप्टाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉल करते हैं रिंगते हैं बर्ड्स भी आप ऑलरेडी फेमिलियन हैं आपको पता होगा और मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं और इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं तो ये हमारे पास फाइव ग्रुप्स आ गए वर्टिप्रेट्स के ओके okay, स्टूडेंट्स अब आपने इसका एक डिस्प्ले रेडी करना है जिसपे आपने इन फाइव ग्रुप्स को मैंशन करना है इसके अलावा जो नेक्स्ट बात हमसे पूछी गई है कि आपने इनकी एग्जाम्पल्स बतानी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम्पल्स में आप एक से ज्यादा भी बता सकती हो मैंने यहाँ पे वन एग्जाम्पल लिखी है आप मोर देन वन और टू भी दे सकते हैं Uh, आप फिश में कोई भी फिश जो है जिसका नाम आपको पता हो आप इसमें लिख सकते हैं मैंने यहां पे राइट किया है शार्क फिश की एग्जांपल है शार्क एम्फीबियन की एग्जांपल है फ्रॉग ठीक है एम्फीबियंस में हमारे पास फ्रॉग आ जाते हैं और भी आपने पढ़ी थी न्यूट सलामेंडर तो आपको जो इजी लगती है आप उसको राइट कर सकते हैं रेप्टाइल्स में क्रॉल करने वाले ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं जैसे कि स्नेक है क्रोकोडाइल है टर्टल है लिजर्ड है ओके तो मैंने यहां पे स्नेक राइट किया है बर्ड्स में बच्चे हमारे पास आ जाते हैं पिजन स्पैरो ओल तो आप यहां पे स्पैरो मैंने राइट कर दिया ओके मैमल्स में बहुत सी कैटेगरीज हैं डॉग्स हैं कैट्स हैं कैमल है कौ है लाइन है हॉर्स है तो आप यहां पे कोई भी एक लिख सकते हैं कौ तो आपने फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स का डिस्प्ले रेडी कर लिया नेक्स्ट उसकी एग्जांपल्स लिख दी अब हम इसके किए करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट है इस वजह से हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल फिश फिशेज में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे मैंने जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से शो करवाए हैं कि फिश एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ओके और बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं अब ये जो फर्स्ट थ्री वर्टिब्रेट्स के ग्रुप हैं फिश एम्फीबियन और रेप्टाइल्स बच्चे ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट यानी कि कंट्रोल और मेंटेन नहीं कर सकते इस वजह से जब ज्यादा सर्दियां आती हैं ठीक है ठीके? ये कोल्ड ब्लडेड है तो जब ये सर्दियां आती हैं तो ये क्या करते हैं हाइबरनेट कर जाते हैं ठीक है ये आपको सर्दियों में नजर नहीं आते जैसे ही गर्मियां आ जाती हैं ये बाहर आ जाते हैं उसके बाद है वार्म ब्लडिड वार्म ब्लडेड ऐसे ऑर्गेनिजम होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं मेंटेन कर सकते हैं ओके अब नेक्स्ट कौन सा की की करेक्टरिस्टिक आप इसकी राइट करेंगे आ, इनकी बॉडी कैसी होती है ओके इनकी बॉडी को किस चीज ने कवर किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल फिश की तरफ आ जाएं, फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं ओके जैसे कि आपको नजर आ रहे होंगे नेक्स्ट आ गए हमारे पास फ्रॉग फ्रॉग की बॉडी बच्चे अगर आपने नोट किया हो तो ये बहुत स्लिपरी बॉडी होती है इसकी मॉइस्ट होती है ठीक है और स्लिपरी बॉडी होती है इसकी स्किन जो है वो स्लिपरी होती है नेक्स्ट स्नेक की तरफ आ जाए तो इसकी स्किन जो है बहुत ड्राई होती है ओके और इसकी बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं नेक्स्ट स्पैरो पे आ जाए तो स्पैरो की बॉडी पे फीदर्स होते हैं ओके एंड द मेमल्स मेमल्स की बॉडी पे हेयर्स होते हैं एक करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये आ गई कि इनकी बॉडी किस किस चीज से कवर्ड है फिश uh, की बॉडी कवर्ड है स्केल से इसकी बॉडी स्लिपरी है इसकी बॉडी बहुत ड्राई है और इसमें भी स्केल्स है इसकी बॉडी पे फिदर्स है और इसकी बॉडी पे हेयर्स हैं ओके द नेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक इज वट इज देअर हैबिटेड ये कहां, कहां पे रहते हैं ओके okay? तो ये आपने एक डिस्प्ले की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखनी है ठीक है लेट uh, सपोज अगर आप फ्लैश कार्ड्स यूज करना चाहती हो या आप स्टिकी पेपर यूज करना चाहते हो तो आपने एक स्टिकी पेपर पे फिश राइट कर लिया फिर आपने उसकी एग्जांपल लिख दी एक स्टिकी पेपर पे तो आप उन स्टिकी पेपर्स को ज्वाइन करते जाना स्टेपल के साथ या गम के साथ तो आपके पास एक अच्छा सा डिस्प्ले रेडी हो जाएगा फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स का नेक्स्ट थिंग इज दैट वट इज देयर हैबिटेट ये कहाँ पे रहते हैं

स्पैरो मोस्टली लैंड पे रहती है ठीक है ये बर्ड्स जो हैं ये लैंड्स पे रहते हैं मैमल्स ये भी लैंड्स पे रहते हैं तो ये दोनों कैटेगरीज लैंड्स वाली हो गई बर्ड्स और मैमल्स वाली और ये हमारे पास आ गया वाटर में फिशेज तो सर्वाइव ही वाटर में करती हैं ना तो फ्रॉग्स जो हैं ये वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं और ये जो हैं ये भी कुछ वाटर में और कुछ लैंड में चलें जी एक और हमारे पास की करेक्टरिस्टिक आ गई पहले हमने देखा इनकी बॉडी किस किस चीज से कवर होती है अब हमने बात की कि ये कहाँ पे रहते हैं अब हम बात करते हैं कि ये सांस कैसे लेते हैं ये किस तरह से ब्रीथ करते हैं ये रेस्पायर कैसे करते हैं ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फिशेस फिशेस की बॉडी में जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें लंग्स दिए हुए हैं ठीक है जिसके थ्रू फेफड़े जिनको हम कहते हैं ओके okay? लंग्स के थ्रू आप सांस लेते हो आपको सांस लेने में हेल्प करते हैं लेकिन फिशेस में लंग्स तो नहीं होते तो इनमें ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं ओके okay? एम्फीबियंस में ये स्किन के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं और लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ करते हैं डेप्टाइल्स ये भी हमारी तरह इनका मेकनिज्म है ये भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं बर्ड्स प्लस एनिमल्स ये दोनों भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं तो बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आया सिर्फ फिशेज फिशेज ऐसी हैं जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं जो पानी में रहती है और इसके अलावा ये स्किन और लंग्स दोनों को यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए द लास्ट थिंग लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक विच इज द रिप्रोडक्शन ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस का मतलब होता है हर स्पीशी अपना नंबर इंक्रीज करती है अपने बेबीज प्रोड्यूस करके ओके आ, जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं ये पानी में वाटर में एग्स ले करती हैं ओके एम्फीबियंस भी वाटर में एग्स ले करते हैं रेप्टाइल्स भी एग्स ले करते हैं लेकिन लैंड पे बर्ड्स जो है वो एग्स ले करते हैं लैंड पे लेकिन इनके जो एग्स होते हैं वो बहुत हार्ड उनका शेल होता है ठीक है जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है कऊ जो है वो बच्चे बेबीज प्रोड्यूस करती है ठीक है तो ये डिफरेंस आ गया ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी मैंने आपको इस एक्टिविटी के अबाउट इंफॉर्मेशन uh, सारी दे दी है मैंने आपको गाइड कर दिया है आपने अब एक अच्छा सा डिस्प्ले रेडी कर लेना है फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आप राइट करिएगा कि हमारे पास ये जो है ये फाइव ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं फिर आप इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो वन भी बता सकते हैं मोर देन वन या टू आप जितनी देना चाहें वो दे सकते हैं इसके अलावा जो की करेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि ये तीन कोल्ड ब्लडेड हैं बाकी वार्म ब्लडेड हैं फिर मैंने डिस्कस किया इनकी बॉडी किस चीज से कवर्ड होती है इसके बाद इनका हैबिटेट क्या है ये ब्रीथ कैसे करते हैं और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी अल्लाफिज